10 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा कर्मियों का धरना। बता दें कि आजमगढ़ विकास खंड मार्टिनगंज उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर ब्लॉक मार्टिनगंज मनरेगा कर्मियों ने सोमवार को खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया, जिनमें उन्होंने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को 10 सूत्री मांगों के साथ ज्ञापन दिया, जिसमें मनरेगा कर्मियों ने लिखा है कि ग्राम विकास विभाग द्वारा बिना पद के सृजन किए जेएम पोर्टल से नियुक्ति किया जाना तथा प्रशासनिक मद से सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाना या गंभीर वित्तीय अनियमितता है। पूर्व में कार्यरत मनरेगा कर्मियों को पद से सृजन कर समायोजन किया जाए। दिव्यांग मनरेगा कर्मियों के परिजनों को योग्यतानुसार योजना के तहत रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाए। मनरेगा कर्मियों को ईपीएफ का नियोक्ता अंशदान निर्गत किया जाए। मनरेगा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा व सेवा संबंधी संसाधन नीति जारी किया जाए। मनरेगा कर्मियों को मानदेय में वृद्धि दिया जाए। पूर्व में कार्यरत प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर को योग्यतानुसार समायोजित कर मानदेय भुगतान किया जाए। मनरेगा कर्मियों का सेवा पुस्तिका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करने के बाद जारी किया जाए। मनरेगा कर्मियों के प्रति एक तरफा कार्रवाई करना गलत है। मनरेगा कर्मियों ग्राम विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन करना पड़ता है। मनरेगा कर्मियों को उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण राय, अभिषेक श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव विकास मिश्रा, अमरजीत यादव आदि मनरेगा कर्मचारी उपस्थित रहे। मार्टिनगंज से राजेश सिंह की रिपोर्ट, जीएस न्यूज 24 पर। मनरेगा कर्मचारी हैं यहाँ मार्टिनगंज ब्लॉक पर धरना क्यों दे रहे हैं? जी सर, हम लोग मनरेगा के पूरे कर्मचारी हैं, जिस सारे संवर्ग के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। सरकार की मंशा के हिसाब से जो है हम लोग के जो है हमारी सारी मांगों को काट कर जो है जेम पोर्टल के माध्यम से नई नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जिसमें सभी संवर्ग के लोगों को नई नियुक्ति के माध्यम से और उसमें समायोजित करने की बात की जा रही है। प्रमुख मांगे आपकी? हमारी प्रमुख मांग है कि महिला मेट से लेकर जेम पोर्टल सारे जितने भी पद है सृजित उसको खत्म किया जाए और हम लोगों से चाहे जितना लोग काम करें कराएं, और 10 वर्ष से लगभग हम लोग काम कर रहे हैं और मनरेगा को ऊंचाई और बुलंदियों तक पहुंचाने में श्रेय सबसे ज़्यादा हम ही लोग का है। और अब चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो लिखित मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उन पर सरकार विचार करे, नहीं तो हम लोग सारे कार्य मनरेगा के ठप कर। आपका धरना मार्टिनगंज में चला पूरे जनपद में? हमारा धरना मार्टिनगंज, एक हमारा संघ जो है महासंघ जो बना हुआ है उसके माध्यम से हमारा धरना जो है 12 पूरे प्रदेश में है, और 12 मई को जो है ब्लॉक स्तर, 12 जुलाई में जो है ब्लॉक स्तर पे, और उसके बाद 19 जुलाई को जिला स्तर पे, अगर नहीं बातें माने तो 26 जुलाई को पूरे प्रदेश स्तर को बंद करके अब पूरे मनरेगा कार्य को ठप कर दिया जाए। ठीक, धन्यवाद। पंचायत मार्टिन भाई, देखिए मनरेगा कर्मचारी महासंघ का ये करना चल रहा है। जेम पोर्टल, जेम पोर्टल एक संस्था है, उसके माध्यम से सारे कर्मचारी जो अब तक राज्य सरकार के माध्यम से काम कर रहे थे, नरेगा में राज्य सरकार नोडल एजेंसी थी। जब नरेगा लागू हुई थी फरवरी 2006 में, तो कार्यदायी संस्था राज्य सरकार थी, राज्य सरकार नोडल एजेंसी थी, जो 6% कंटिजेंसी जो है उसको मिलता था और उसने ये कर्मचारियों को, सारे कर्मचारियों को रखा। तो फरवरी 2006 से आज तक जो सर्विस होती रही और लोग इस उम्मीद में थे कि अब हम रेगुलर हो जाएंगे, 3 साल बाद अब हम रेगुलर हो जाएंगे, तो रेगुलर करना तो दूर, वो बिल्कुल प्राइवेट एक संस्था है, वेबसाइट जैसी है, जो बालू सीमेंट हर चीज़ बेचती है, तमाम सामान बेचती है जैसे कि तमाम संस्थाएं हैं दुनिया में, तो उसके हवाले करने जा रही है। ये लोग जो सर्विस कर रहे हैं इतने दिनों से, उनको उनके हवाले करने जा रही है जो ईंट बोरी सीमेंट वगैरह बेचते हैं। आप मनरेगा कर्मचारियों के क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांग तो हमेशा से हमारी रही है कि जो मनरेगा कर्मचारी जितने हैं, इसमें टीए हैं, एपीओ हैं, रोजगार सेवक हैं, लेखाकार हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये जो फरवरी 2006 में जो नरेगा लागू हुई तो उसमें जितने भी कर्मचारी रखे गए थे उनको नियमित करने की मांग शुरू से ही है।
पहली समय से, लेकिन ये तो संविदा पे काम कर रहे थे, अब संविदा से भी बुरी स्थिति उनकी ये होने वाली है, तो उनको और किसी संस्था के हवाले कर दो, वो जब चाहे तब निकाल दे, जब चाहे तब रख ले, जब चाहे तब निकाल ले, जिसके जगह चाहे जिसको रख ले। इस ये जो सिस्टम आया था रखने का, ये बाकायदे यहाँ से ब्लॉकों से विज्ञापन जारी हुए थे, हर गांव में जो सबसे ज़्यादा मेरिटोरियस सारे लोग फार्म भरे थे, तो सबसे ज़्यादा जिसकी मेरिट थी उसको रोजगार सेवक नियुक्त किया गया था, फिर ट्रेनिंग वगैरह हुई, फिर उसी तरह अपना क्रमशः तक चला गया। धरना के बारे में बताइए। हाँ, धरना के बारे में यही है कि उस जो जेम पोर्टल सिस्टम लागू कर रही है सरकार, उसको तत्काल वापस ले और हम लोगों को नियमित करें। कितना दिन से धरना रखा है आप? अभी ये धरना जो है आज अभी शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? विकास खंड स्तर पे आज चलेगा, फिर 19 तारीख को ये जिले पे होने वाला है और 26 तारीख को लखनऊ में पूरे प्रदेश के सारे लोग। इससे तो कार्य भी बाधित हो सकता है। कार्य बंद कर दिया गया है ना, आज कार्य बंद कर दिया गया है, कार्य कोई नहीं होगा जब तक वो वार्ता नहीं होगी, उसका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकलता है, तब तक नरेगा पूरी तरह ठप रहेगी, कोई भी कार्य करते हुए पाया भी नहीं जाएगा, नरेगा बंद रहेगी पूरे यूपी में। ठीक, धन्यवाद।